इस वक्त हमें ज्वाइन किया है सीनियर कानूनदान जनाब एतजाज अहसन साहब, हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया एतजाज अहसन साहब डॉन न्यूज को वक्त देने के लिए। क्या कहेंगे सर इस तमाम तरह सूरत हाल के ऊपर? आज जो है ये फैसला मुअत्तल कर दिया गया है इलेक्शन कमीशन का पेशावर हाईकोर्ट की जानिब से। बिल्कुल दुरुस्त फैसला है, क्योंकि जो इसके बरक्स व्यू है और तस्वर है इसके बरक्स जो इस फैसले के, वो एक बहुत बड़ी गलत फहमी पे मबनी है। और वो गलत फहमी ये है कि ये समझा जाता है कि ये जो निशान है बल्ले का मिसाल के तौर पे या तीर का या शेर का, ये निशान इसलिए है कि ये पार्टी की मलकियत है और पार्टी के को महरूम नहीं किया जा सकता, सियासी जमात को इनसे, और अगर महरूम किया गया है तो वो ठीक किया गया है क्योंकि वो प्रोसेस उस हद तक ठीक है। लेकिन ये सोचने की बात यह है असल में कि ये निशान क्यों है। निशान इसलिए होते हैं कि हमारे यहाँ नाखानगी बहुत है, अमेरिका बरतानिया यूरोप में नहीं होते, लेकिन भारत में बांग्लादेश में पाकिस्तान में बड़े सगीर में हर वोट पे निशान होते हैं इसी तरह सिंबल, और उनकी वजह यह है कि वो नाखानगी है यहाँ बहुत ज्यादा। लोग नाम नहीं, 13 कैंडिडेट्स में नाम नहीं पढ़ सकती, बहुत सी बीबियां नहीं होगा, हमारी तो अक्सरियत मर्दों की भी नहीं पढ़ सकती। सो वो निशान वोट पे डालते हैं, वो निशान पे वोट डालते हैं, मोर लगाते हैं। सो ये निशान हकीकत में हर उस वोटर का है जो एक पार्टी को वोट डालना चाहता है। अगर 2 करोड़ वोटर उसको वोट डालना चाहते हैं तो हर एक में से उनका ये निशान उसकी सहूलत के लिए है, उसको वोट डालने की सहूलत देने के लिए है, और उससे वोट डालने का हक महरूम, उससे महरूम करने का तरीका ये है कि आप निशान ही ले लो या निशान उसकी पार्टी का हो ही ना ऊपर। तो ये दरअसल उन करोड़ा या लाखों या करोड़ों में वोटर्स का है जो ये 3 बड़ी जमातों में से किसी एक जमात को वोट डालने की सहूलत देता है और हक देता है। उसको महरूम करना है तो आप उसका निशान ही हटा दो, वो पढ़ ही नहीं सकता सारे नाम, तो वो कैसे वोट देगा। तो ये बिल्कुल सही फैसला है। और दूसरी बात यह है कि ये इलेक्शन कमीशन का इख्तियार भी नहीं था कि ये वोट का हक से महरूम करे।